दोस्तों कनाडा में वैसे तो हर एक सिटी में आपको फार्मर मार्केट मिल जाएगी, पर ये वाली मार्केट जो मेरे पीछे है, मार्केट जॉन तालान, आई डोंट नो कि मैं कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बट आई थिंक गलती होगी फॉर श्योर बिकॉज यहाँ पे फ्रेंच में लिखा हुआ है। ये वाली जो मार्केट है 1933 में स्टार्ट की गई थी कुछ फार्मर्स के द्वारा जो कि लोकल ग्रोअर्स थे, सब्जियाँ यू नो ग्रो करते थे। स्टिल उसके बाद में ये मार्केट को बहुत बड़ा कर दिया गया, वेंडर्स आते रहे और ये मार्केट बड़ी होती रही। बहुत ही सुंदर मार्केट है, हम अंदर चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेकरी आइटम्स और बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होती है जी मॉन्ट्रियल की सब्जी मंडी। हम चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मॉन्ट्रियल का जो गाइड है हमारा वो है नूर, क्योंकि पहले ये यहीं पे रहता था तो इसको थोड़ी बहुत फ्रेंच वरेंच आती है पता नहीं, मुझे नहीं पता जो फ्रांस से मिस्यो गाली तो नहीं दी साले। ओके ठीक है, तो चलते हैं जी। Thank you so much. ये टेस्ट किया ना मैंने, बहुत मज़ेदार लगा, तो ये चीज़ ट्राई करते हैं। है क्या चेरीज है ना, मज़ेदार चीज। एक तो इन लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना यहाँ पे, इन लोगों को इंग्लिश कम आती है और हम जैसों को फ्रेंच नहीं आती, तो बड़े ही गड़बड़ी वाला सीन है। वीडियो बनाने के लिए पूछना पड़ता है कि भाई शॉट ले लें। या आई विल टेक दैट, इट्स ओके, वी विल जस्ट ईट इट। ओके ओके श्योर श्योर। लीजिए लिफाफे में डाल दी, थैंक यू। या $5 की ये चेरीज, अभी मज़ेदार खाएंगे फ्रेश फ्रूट्स। टेस्टिंग भी कर लूँ ना मैं, वो नवाब खाते थे ना ऐसे करके, क्या बात है मज़ा। फूल गोभी पर्पल कलर की देखो, लो जी यहाँ पे आड़ू पड़े हैं, लाल कलर के, पीले कलर के, ये आलू बुखारा हो गया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस मार्केट में देखने के लिए, जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी वो है ये फूल। मतलब कि इतनी ज़्यादा तरह की वैरायटी तो मैंने कहीं पे नहीं देखी दुनिया में, जितने अभी तक मैं सिटीज़ एक्सप्लोर की हैं। इतने ज़्यादा खूबसूरत वाइब आ रही है, अलग अलग तरह की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे आप प्लांट्स अगर खुद आपको घर पे वगैरह ग्रो करने हैं, आपको प्लांटिंग का शौक़ है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर किसी को गिफ्ट करनी है या गिफ्ट आइटम्स के लिए, तब भी आप फ्लावर्स दे सकते हो। बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही है, कितनी सुंदर जगह है यार। दोस्तों ये आप जितने भी यहाँ पे वेंडर्स वगैरह देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम यू नो खुद प्रोड्यूस करते हैं इन वेजिटेबल्स को, इन फ्रूट्स को, और फ्रेशली फिर यहाँ पे आके सेल करते हैं। जैसे कि ये पीछे स्ट्रॉबेरीज हैं, तो स्ट्रॉबेरीज हो गई और बेरीज, ब्लूबेरीज हो गई और बहुत तरह के इनके पास फ्रूट हैं, वे यहाँ पे आके सेल करते हैं, बिल्कुल ही फ्रेश होते हैं, जिसके लिए आपको मतलब के टेस्ट में ही अलग मज़ा आता है, अलग स्वाद आता है आपको खाने में। ये नींबू बिक रहे हैं यहाँ पे, पीले चाहिए पीले ले लो, ग्रीन चाहिए ग्रीन ले लो। नीचे खीरे पड़े हैं,
ऐसे टोकरियों में देते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे इन मार्केट्स को ओपन एयर मार्केट भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी होती। टेंट्स वगैरह लोग मतलब कि अपने इंस्टॉल करते हैं और उन्हीं को शाम को बंद करके मतलब कि अपना तामझाम ख़त्म करके रख जाते हैं और सुबह को वहीं से आकर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टिल यहाँ पे बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स की तरह बनी हुई हैं। कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, आप यहाँ पे अगर आते हैं यू नो स्पेशली आज वीकेंड है तो लोग यू नो पिकनिक की तरह आते हैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने, यहाँ पे कैफ़े में खाना पीना चाय कॉफ़ी लेके तो मस्त प्लान करके आते हैं। मज़ेदार चीज़ है, अच्छी जगह है। दोस्तों नॉर्मली इस टाइप की मार्केट्स में आपको अकेली वेजिटेबल या फ्रूट्स या फ्लावर्स वगैरह के अलावा पोल्ट्री की आइटम्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि चिकन हो गया या बीफ वगैरह की आइटम्स, एग्स, क्योंकि जो भी ऐसे ग्रोअर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने फार्म हाउस वगैरह पे पोल्ट्री के भी ऑप्शंस रखते हैं। तो आपको अगर फ्रेश मीट वगैरह या चिकन वगैरह खाना है तो आप यहीं से आके बाय कर सकते हो, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। बाकी मार्केट तो है ही लाजवाब, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों इस मार्केट वाली वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड एंड चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों को दिखाएं नई नई वेजिटेबल्स फ्रूट्स। तो अगर मज़ा आया आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का जो लिंक है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच।